नींद आ रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है मेरी बिटिया रानी का बर्थडे, और अभी ना बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, 9 तक नहीं बचा है, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो इधर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। देखिए, मेरे हस्बैंड और बेटी कल गए थे शॉपिंग के लिए ना, तो ये लेकर आए हैं, ये देख सकते हो आप। तो इसमें ना ऐसे ही पानी निकलता है, और उसके बाद हम अगर इसको ऐसे कर देना तो ये साबर की तरह भी पानी आता है इसमें। तो ये लेकर आए हैं, और बच्चे और हस्बैंड क्या कर रहे हैं मैं ये दिखाती हूँ आप लोग को। बर्थडे का एक्साइटमेंट देख सकते हो, साउंड कम करो टीवी का। ये देखो, बेटी के बर्थडे के लिए सुबह से लग गए हैं तैयारी करने में। हाँ, मैंने बोला कि पहले झाड़ू वगैरह लगाने दो, बिस्तर वगैरह फोल्ड हो जाएगा, नाश्ता करके उसके बाद करना ये सब। तो वरना नहीं, इसमें रस्सी क्यों लगा रहे हो? तो ये बैलून वगैरह फुलाना स्टार्ट हो गया है तीनों मिलके, तीनों को देख सकते हो। तो यहाँ हमारे यहाँ घर में बर्थडे की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई है सुबह से ही। और हम अभी झाड़ू कैसे करें, ये रखोगे कहाँ? अरे तो उधर से बक्से वगैरह हटाना पड़ेगा ना, तभी तो लगाएंगे। तो इस वाले रूम में हम करने का सोच रहे हैं। लाइट ऑन कर लूं। तो ये जो बक्सा है ना, इसे हमें हटाना है, और ये वॉल हमें तैयार करना है। तो फिलहाल का तो यही प्लान है। इसके पापा जाकर मिठाई लेकर आ गए थे, तो पीहू ने चढ़ा दिया है, और साथ में ये इमरती भी लेकर आए थे। गुलाब जामुन इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि पीहू का फेवरेट है, और वाइट रसगुल्ला प्रिंस को पसंद है, और इमरती मुझे पसंद है, बट इमरती मैंने खाया नहीं था क्योंकि ठंडा था ना, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो बच्चों ने खा लिया है, और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ये बैठ गए हैं फिर से अपना जो थोड़ा सा बहुत बैलून रह गया था ना, उसे फुलाने के लिए। तो देखिए गाइस, सवेरे इन्होंने आधा बैलून फुलाया था, और अभी इन्होंने आधा और फुला दिया है, और अब इनको हम ले चलते हैं आगे वाले रूम में सजाने के लिए। अरे माँ, इतना गैप नहीं अच्छा लगता। तो डेकोरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने ब्लैक और येलो में बैलून मंगाया था, बट वो मिले नहीं। ये दो तीन शॉप पे गए बट नहीं मिला, तो पिंक और ये वाइट मिल गया। तो मैंने बोला जो मिल रहा है वही लेकर आ जाओ, वही लगा देते हैं, और जो हम सोचते हैं ना वो हो नहीं पाता। मेरा तो खासकर नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। तो ब्लैक येलो मेरा बहुत था मन कि मैं ब्लैक और येलो में बैलून सजाऊं, बट नहीं हो पाया। जो हुआ सो अच्छा हुआ, अच्छा हमने अपने तरफ से करने की कोशिश की थी। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। और बैलून वगैरह सजाने के बाद ना इसके पापा चले गए थे, क्योंकि पीहू ने जो कल ड्रेस लिया था उसे फिटिंग करवाना था, और उसके बाजू भी लगवानी थी। तो ये बैग देखने लगे थे इनके लिए, क्योंकि इनका स्कूल भी ओपन होने वाला है। और उसके बाद यहाँ से इन्होंने समोसे लाए थे। समोसे यहाँ 10 प्रकार के मिलते हैं, पिज्जा समोसा और चाउमीन समोसा और पता नहीं क्या क्या किस्म के समोसे यहाँ पर मिलते हैं। प्रिंस बताता है कि मम्मी यहाँ 10 प्रकार के समोसे मिलते हैं। तो यहाँ से ये समोसा और स्प्रिंग रोल वगैरह लेकर आ गए थे, और फाइनली मेरी पीहू अब तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो उसका लुक। तो यही ड्रेस ये कल जाकर अपने पापा के साथ खरीद कर लाई थी। मैंने पहना ये गाउन, हम सब लोग तैयार हो गए हैं। तो ये रहा मेरा गाउन, और
पीयू का लुक तो आपने देख ही लिया। ये है हस्बैंड जी और मेरे बेटे का। तो पीहू ने अपनी वाली तो करवा ली, उसने गाउन ले लिया है और ये पहनी है आज के दिन, और अब से ये फोल्ड करके रखा जाएगा क्योंकि ये ऐसे में तो पहनने नहीं वाली है। और ये जो नेट वाले जो गाउन होते हैं ना, ये बिल्कुल पहन के ये रहती नहीं है, बट इसका पता नहीं कहाँ से भूत सवार हुआ था कि मुझे गाउन ही लेना है, गाउन ही लेना है, तो उसने ले लिया है। अब से ये फोल्ड करके रख देंगे हम, किसी हैवी फंक्शन में ही इसे पहना जाएगा, और हैवी फंक्शन जब होता है तो घर में ही होता है, बाहर तो होंगे नहीं। तो उसने अपनी वाली कर ली और ये बर्थडे हमने उसका मनाया, वो बहुत खुश है, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो ये हमारी जो बिल्डिंग में बस दो ही लोग रहते हैं, तो ये मकान मालकिन की बेटी है और एक आंटी है, वो आई थी और ये आई थी। तो हमारा केक कटिंग हो गया है, आप लोग भी खा लीजिए पीहू के बर्थडे का केक। और ये हमारा स्नैक्स है जो कि है फ्रेंच, मैं बार बार फ्रेंच ही बोल रही हूँ, ये है क्या है पीहू, ये स्विस रोल, हाँ, और समोसे, और है केक, और है बिस्किट, और है कोल्ड ड्रिंक। तो ये था हमारा, और मिठाई लाना ये भूल गए थे, तो मैंने बोला रहने दो अब मत जाओ, सुबह ये लेकर आए थे तो हमने दे दिया था। तो ये आंटी थोड़ी देर से आई थी क्योंकि ये जो है ना, इनकी बेटी के बच्चे इनके पास रहते हैं, तो ये दोनों छोटे हैं, तो ये सो गए थे, तो इनको उठाकर उसके बाद ये आई हैं। बोल रही थी कि जो बेटी है थोड़ी सी ये लड़के से बड़ी है वो, बट वो सोई थी तो बस इसे ही लेकर आई थी। और बर्थडे हमारा अच्छे से मन गया था और उसके बाद ये लेकर चली गई थी। फिर उसके बाद इनको हम भेजने के बाद फिर हम खाने पर बैठ गए थे, तो ये देख सकते हो आप, ये है पिज्ज़ा समोसा, जो कि पिज्ज़ा की जो फीलिंग होती है ना वो इसमें भरा गया है। पिज्ज़ा समोसा, आलू समोसा लाया था इन्होंने, बच्चों ने अपने लिए लाया था पिज्ज़ा समोसा। हमने अभी कपड़ा चेंज कर लिया है और जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, और उसके पापा बोल रहे हैं पेट हमारा भर गया है तो हम नहीं जाएंगे, बट प्रिंस बहुत प्रसन्न है, नहीं नहीं पापा जल्दी चलो, प्रिंस जाना है क्या? पापा तो एकदम मुंह पे ताला, तो हम चलते हैं बाहर डिनर करके आते हैं, देखते हैं मेरे पति देव क्या खिलाएंगे। ठीक है, तीन प्लेट लेना, थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें सुखा लूंगा। तीन प्लेट लेना। अभी कपड़ा चेंज कर लिया है और ये जो लोबर इसने पहना है ना, ये कल ही लेकर आई थी। प्लीज मेरा परेशान। इसके पापा को नींद आ रही है। लड़ाई बाप बेटे का किसी ने देखा है? प्रिंस प्रिंस चलते हैं, चलो और मैं अपना केक खा रहा हूं। चलो चले, हां चलो। गाइस अभी हमारे साथ पीहू के बर्थडे का डिनर करने के लिए बच्चों ने बहुत परेशान कर दिया है मेरे हस्बैंड जी को, और पीहू ने ये वाला कंगन लाया था वहां से, कहां से पीहू दिखाना, सरोजनी मार्केट से। तो हमारा खाना आ चुका है, हमने मंगाया था कढ़ाई पनीर और नान और जीरा राइस, क्योंकि हमारा घर में पेट भर चुका था, हमारा जाने का मन बिल्कुल नहीं था, बट प्रिंस और मैंने पीहू और प्रिंस का था कि नहीं हमें जाना है, तो इस वजह से हम आ गए थे। और जब तक हम अपना डिनर करते हैं तब तक ना आप लोग, आगे मैं लगा दूँगी क्लिप, मेरे मायके वालों ने भी सेलिब्रेट किया था पीहू का बर्थडे, पीहू के फ्रेंड्स आए थे और उन्होंने भी केक कटिंग किया, तो आप वो वाला क्लिप देखिए, तब तक हम अपना डिनर करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए आगे। पकड़ो।
नहीं नहीं बे पकड़ो पकड़ो काटो 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 हैप्पी बर्थडे टू यू सर क्या खिलाना आता है ठीक है चाकू पकड़ रहा है रुक भाई चल 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 आए आए देख भाई बच्चा किसी का भी Wish you a very happy birthday, cutie pie. God bless you. Happy birthday. हम लोग का सारा परिवार के तरफ से बहुत बहुत पीहू का आशीर्वाद हो उनका लंबा आयु हो हमें लिखो आज पीहू हमारे यहाँ नहीं है तो बहुत कमी महसूस हो रही है हम लोग नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो मेरी पीहू की बर्थडे बहुत अच्छी से अगले साल हम लोग मनाएंगे पढ़ो लिखो सुखी रहो कोच नहीं दिख रहा देख लो खा रहे हैं तुम्हारे बर्थडे का तुम भी बोल दो भाई तुम तुम्हें बोलो कुछ बोलो पीहू कहीं तरह यहाँ जिस समोसा में बसा हुआ है हम सिंगाड़ा भी खाए केक भी खाए तुम्हारे बर्थडे के लिए बर्थडे है पीहू पूजा करिए जो भी करिए ठीक ठाक अच्छा तो ये है तेरा समोसा और ये तेरा आलू चोखा इसको खा रहे हैं तुम तो यहाँ थी ना तो मेरा आंख का सामने से घूम रहा है तेरे आज बहुत मिस कर रहे हैं ये रहा तेरा केक ले ले जाके खाएंगे तुम आएगी तो तुम भी खाऊंगा और हैप्पी हो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए लगा रहा हैप्पी यू हैप्पी बर्थडे माय नेम इज स्वाति कुमारी बहुत अनहैप्पी है कि आज वो नहीं है उसके बर्थडे पे हम सोचे थे वो आ जाएगी पर सच बात बोले पीयू मेरी लाखों में सबसे अच्छी फ्रेंड तुम ही है कोई भी दुश्मन हो जाए हम कभी बिगड़ेंगे नहीं हम पीयू दोस्त कभी बिछड़ेंगे नहीं क्या बात छोटा हैप्पी बर्थडे आप नहीं है तो हम लोग को आपका बर्थडे में मजा नहीं आएगा प्रिंस कैसा लगा पीहू कैसा लगा अच्छा अभी हम खाना खा के आ चुके हैं और हम चलते हैं घर और ब्लॉग का यही एंड करती हूँ ओके लव यू टेक केयर बाय बाय